is down, what's left is right. वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज जो हमारा सेकंड डे है ये दुबई में जो एमिरेट्स की तरफ से ट्रिप है, फेम ट्रिप एमिरेट्स टू दुबई, इसमें हम आए हुए हैं। आज हमारा जो ज़बरदस्त जो दिन है ना, वो इसलिए है कि आज हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा में, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। आज हम यहाँ पे जा रहे हैं और मैं भी पहली दफ़ा जा रहा हूँ बुर्ज खलीफा में, मैं कभी नहीं गया, तो अभी आप लोगों को जो है वो बुर्ज खलीफा में हम लेकर चलते हैं। अभी ये आप देख रहे हैं कोविड की वजह से यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस का मेंटेन करने का कहा गया। अभी यहाँ पे हम बुर्ज खलीफा के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये उसकी जो है वो एंट्रेंस है और ये है दुबई क्रीक टावर। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये दुबई के अंदर एक और टावर बन रहा है, बुर्ज खलीफा से बड़ा है ये। इसमें अराउंड कहा जा रहा है कि 210 जो है वो फ्लोर्स होंगे, जबकि बुर्ज खलीफा में 160 फ्लोर्स हैं। ये अभी जो है वो इनके एंट्रेंस के ऊपर ही जब आप आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है यहाँ पर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो फिशेस हैं और दूसरी जो जिनको आप मेरीन जो है वो स्पीस कहते हैं, वो लाइव्स यहाँ पे हैं। काफ़ी से ज़्यादा यहाँ पे मछलियाँ हैं। ये ज़बरदस्त है यार, मतलब कमाल है। बड़ी डिफरेंट किस्म की इसके अंदर जो है वो मेरीन स्पीसीज हैं, जो इनके नाम मुझे ख़ुद भी नहीं पता। आप लोगों को नाम पता है तो नीचे कमेंट में बताते जाओ भाई, अमेजिंग। अच्छा, ये जो है वो सब बहुत बड़ा एक्वेरियम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम नहीं है बट ये एंट्रेंस में ही जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और इसका व्यू बहुत आला है। ये जेली फिश है यार, कमेंट करो ज़रा इफ़ आई एम रॉन्ग, ये जेली फिश है या नहीं है। ग्रेट। अच्छा, ये ना दुबई वालों ने ना सही खूबसूरती में ना चीज़ों का बनाना इनको आता है कि चीज़ों को खूबसूरत कैसे बनाना। ये जो हैं वो टावर्स हैं, आप देख रहे हैं अभी हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे अभी हमने टिकट लेनी है। ये आप उसकी सारी मेकिंग की जो हैं वो जो मैप्स वगैरह थे वो हैं सारे। टिकट हमने ले लिया जी एट द टॉप और अभी हम जा रहे हैं, ये टिकट आगे हमारी स्कैन की जाएगी, उसके बाद हमें अंदर जाने दिया जाएगा। अभी रश नहीं है इतना ज़्यादा। एंटर हम हो चुके हैं अपनी टिकट स्कैन करवाने के बाद और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से ऊपर जाके अभी हम देखते हैं जी। अच्छा, ये वो जगह है, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले जब नॉर्मल डेज़ में ना यहाँ पे सारा रश हुआ करता था, यहाँ तक लाइन हुआ करती थी बुर्ज खलीफा के ऊपर जाने वाले लोगों के लिए, लेकिन अभी क्योंकि कोविड का सीन है और इस वजह से रश जो है वो बहुत कम है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को अच्छी जो वीडियो है वो देखने को मिल जाएगी, ज़्यादा रशी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस मेंटेन करने का कहा गया, दुबई में कोविड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सख्ती है SOPs की। इसी बुर्ज खलीफा से रिलेटेड आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ मैं बताता हूँ कि दुनिया का सबसे जो फास्टेस्ट एलिवेटर है ना वो बुर्ज खलीफा में है। ये वो एलिवेटर है जो 60 सेकंड के अंदर 124th फ्लोर तक हमें लेकर जाता है, 124 फ्लोर 60 सेकंड में। अमेजिंग है यार, ये एलिवेटर के अंदर हम आ गए हैं। अभी ये अंदर सारा जो है वो 3D वाला सीन चलेगा, पैसे दिए हैं भाई और आपका जो है वो एलिवेटर का सीन भी आपको वो बोर नहीं करेगा। तो ये आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है वो सारा, सीडी बिल्डिंग्स आ रही हैं बुर्ज खलीफा की जो है वो डिफरेंट बिल्डिंग्स आ रही हैं इसके अंदर। आप काउंट नहीं कर सकते इसको, 66, 69, 70, 78, 80, 85, ये बहुत स्पीड में है, 115, 117, 118, ये इसकी सही स्पीड है भाई। और ये जो है वो दुनिया का सबसे तेज तरीन एलिवेटर है। 124 फ्लोर के ऊपर हम आ गए हैं, 124 फ्लोर ये मैक्सिमम है और ये है भाइयों बुर्ज खलीफा का टॉप। वाओ, मज़े हैं यार, मज़े हैं भाई। आप देखो कि नीचे दुबई लग कितना रहा है, सही छोटा छोटा दुबई लग रहा है भाई मुझे तो। और कमाल चीज़ है यार, क्या चीज़ बनाई है दुबई वालों ने, मज़ा आ गया।
अच्छा, इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त मैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर हूँ और दुनिया में ह्यूमन मेड जो है वो सबसे ऊंचाई के ऊपर मैं खड़ा हूँ। इससे ऊंचाई अभी तक नहीं है पूरी दुनिया में। अभी ये सही छोटी छोटी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, पता नहीं लग रहा जैसे माचिस की डिब्बी की तरह छोटी छोटी बिल्डिंग्स जो हैं वो कैप्सूल्स की तरह की बिल्डिंग्स हैं। अमेजिंग है यार, कमाल चीज़ है यार, कमाल। आप लोग भी देखो इसको। और ये 124 फ्लोर है, हम 160th फ्लोर तक नहीं जा सकते। ये मैक्सिमम है विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए, इससे ऊपर आप लोग नहीं जा सकते हैं। और यही जो है वो मैक्सिमम, यहाँ से आप पूरा दुबई देख सकते हैं। अच्छा, इसकी टिकट आपको परचेज़ करनी पड़ती है, और टिकट परचेज़ करने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया कि आप आए एलिवेटर से और आप ऊपर जो हैं वो आए, पूरी दुनिया से लोग इसको बुर्ज खलीफा को देखने आते हैं, बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है वो टॉप के ऊपर वो आके और पूरा दुबई वो देखते हैं, सी व्यू और बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग। ये नीचे जूम करके भाई दिखाता हूँ मैं आपको, ये चीज़ देखो, ये नीचे गाड़ियाँ जो है ना भाई, अपना तो भाई वो सीधे वाला काम है कि ऊपर से जाके भी हम जो है ना वो नीचे देख रहे होते हैं कि ये छोटी छोटी गाड़ियाँ भाई मैं खुद पहली दफ़ा आया हूँ तो मैं खुद भी खुश हो रहा हूँ, आप लोग भी खुश हो। देखो इसको यार, मतलब क्या चीज़ बनाई है दुबई वालों ने, ज़बरदस्त चीज़ बना डाली है भाई, मज़े की चीज़ है। अच्छा, ये सारा क्रेडिट जो है वो एमिरेट्स को जाता है कि एमिरेट्स अगर ना इस ट्रिप के ऊपर लेकर आता तो भाई फिर आप लोग भी इसको नहीं देख सकते थे और मैं भी नहीं देख सकता था। मुझे तो ज़्यादा खुशी हो रही है एमिरेट्स ने जो ये ट्रिप दी है, और वो भी स्पेशली कोविड में, और जो उनके अंदर एमिरेट्स के अंदर जो कोविड से रिलेटेड SOPs थे फ़्लाइट्स के अंदर, उसकी भी वीडियो अभी जल्दी मैं डालूंगा, वो भी भाई लोगों ने देखना है। बिज़नेस क्लास में भाई तुम्हारा बैठ के आया दुबई, मजाक है, मुझे वो याद आ गया है नासिर चिनोटी वाला, अन्नी देव मजाक है। ये अमेजिंग है यार, कमाल है। 3 दिन के अंदर इसका एक फ्लोर कंप्लीट हो जाता था और कोई यहाँ पे लेबर स्ट्राइक नहीं हुई थी, ठीक है, कुछ भी ऐसे कोई मामलात नहीं हुए थे कि मजदूर रुस गए हैं, ठीक है, किसी ने हट स्ट्राइक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1-2 दफ़ा हुआ था जिसको सॉल्व कर लिया गया था, लेकिन अमेजिंग चीज़ ये है भाई कि 3 दिन में एक फ्लोर कंप्लीट हो जाता था। और ये इतना ऊंचा था कि इसके ऊपर जो है वो कंक्रीट जब डालते थे तो उसको उसके अंदर बर्फ़ डालते थे ताकि ऊपर जाते जाते वो सूख ना जाए। अभी ये ऊपर जा रहे हैं हम, एक और जो है वो फ्लोर है, ये फ्लोर नहीं है बेसिकली, ये ऊपर एक एरिया बनाया है, ये अनुशी है, ये बहुत तेज़ लड़की है भाई। आगे मेरे जो है वो अक्रम था, ये इमाद भाई हैं जिनका शॉट आपको नज़र आ रहा है। ये सही खूबसूरत चीज़ है भाई, ट्रैवल, मज़े हैं भाई, मज़े हैं। ये सारी उसकी हिस्ट्री है भाई जो बुर्ज खलीफा की, यहाँ पे अंदर जो है वो आप लोग जब लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे इसकी सारी जो है वो हिस्ट्री, किस तरह बना और क्या सारी डिटेल्स जो हैं वो इसकी। अभी तक ये दुनिया का सबसे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, लेकिन इसके बाद दुबई क्रीक टावर आ रहा है और वो 200 से ज़्यादा फ्लोर हैं उसके ऊपर, तो सोचो भाई वो कितना ऊँचा होगा और वो कितना बड़ा होगा। ये व्यू है यार दुबई के, दुबई में मज़े हैं भाई, मतलब यहाँ पे आके टूरिस्ट समझ आती है कि क्यों नहीं वापस जाते, सही मज़े हैं, मतलब हर चीज़ को एंटरटेनिंग बनाया हुआ है इन्होंने और सही कमाल वाली चीज़ें जो है ना। सो ये बुर्ज खलीफा था, 124th फ्लोर के ऊपर हम लोग थे और 125th फ्लोर तक हम लोग गए हैं। इट्स मैक्सिमम फॉर विजिटर्स, फॉर टूरिस्ट, इससे ऊपर टूरिस्ट जो हैं वो नहीं जा सकते हैं। एंड इट वॉज़ अमेजिंग, मतलब टॉप से आपको, मतलब आसमान से पूरी पूरा दुबई आपको देखना, एंड देन दोज हाई राइज बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, रोड्स एंड यू नो सी, समंदर जो है वो स्पेशली, और इट वाज अमेजिंग, आई जस्ट लाइक इट, दैट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। I can't believe it's true, I'll just disappear.